हम लोग अपने आप डिटेन करेंगे, ये डेमोक्रेसी है। फिलिस्तीन की जनता लड़े चले। आज जिसको एक आतंकी हमला बताया जा रहा है, सरकार की तो आप प्लीज मैं आपसे गुजारिश करती हूँ उनका तो नाम ही ना ले। जो दबी हुई शोषित जनता है उसका कई दशकों का आक्रोश है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। प्रदर्शन से पहले ही डिटेन कर लिया गया, आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम युवा यहाँ पर आज प्रदर्शन करने आए थे, जो फिलिस्तीन में और हमास में ये धुआंधार बहस लड़ाई जो लगातार जारी है, तमाम युवा फिलिस्तीन के समर्थन में आए हुए थे। क्या कहना जो इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के जनता पर जो जुल्म उठाया जा रहा है, हम लोग उसकी मुखालफत करते हैं। हिंदुस्तान के पहले के सरकारों ने इस बात को रखा था अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कि फिलिस्तीन के जनता का मुक्ति संघर्ष जायज है। फिलिस्तीन की जनता लड़े चलो। स्टूडेंट्स और टीचर्स यहाँ पर एक आम बात लेकर आए कि दुनिया भर में शांति होनी चाहिए। दुनिया भर में जो एक कॉलोनियल ऑक्यूपेशन फिलिस्तीन पर है, उसके खिलाफ दुनिया को एक साथ आना चाहिए। और हम देखते हैं किस तरह की बर्बरता दिल्ली पुलिस करती है। ये मोदी सरकार, ये पुलिस इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर किस तरीके से हमारे देश में एंटी मुस्लिम नफरत आज फैला रही है, उसका नमूना इस दिल्ली पुलिस ने दिखाया है। मुझे सीधे तौर पर तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर क्या माहौल है, महिलाएं भी आपको दिखाई दे रही होंगी। फायदा नहीं है, इसमें फायदा है तो केवल यूएस के इंपीरियलिस्ट फोर्सेस को, इजराइल के ज़ायनिस्ट फोर्सेस को, नेतन्याहू को, लेकिन मेहनत का जनता को फायदा नहीं है। आज जिसको एक आतंकी हमला बताया जा रहा है, व्यापक डिस्कोर्स में वो पैलेस्टाइन की जो दबी हुई शोषित जनता है उसका कई दशकों का आक्रोश है। आप किसी जनता को सालों साल दशकों दशक दबा कर रखेंगे। हाँ, देख सकते हैं आप सीधे तौर पर तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार से ये लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन प्रदर्शन से पहले का ही इन लोगों को डिटेन कर लिया गया है। ये तमाम युवा जो इस वक्त आए हुए थे, हम लोगों से भी बातचीत करूंगी एक एक करके। बिजली के बिना जीने को मजबूर कर रहा है, क्या ये एक आतंकवाद नहीं है? क्या ये इसराइली आतंकवाद नहीं है? मैं पूछना चाहूंगा कि क्या पानी नहीं देना आतंकवाद नहीं है? मैं पूछना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं देना क्या ये आतंकवाद नहीं है? अगर आतंकवाद इतना जबरदस्त आतंकवाद अगर इसराइल कर रहा है तो हम उसके खिलाफ है, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम शांति के साथ है, हम फिलिस्तीनी लोगों की शांति के लिए संघर्ष करेंगे। हम लोग अपने आप डिटेन करेंगे, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी खत्म कर दिया दिल्ली पुलिस ने। हट जाए, खड़ा था मैं वहाँ पे, क्यों डिटेन करेंगे आप मुझको? आराम से लिए खड़ा था मैं वहाँ पे, कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस ने डिटेन। आपको खड़े होने पे डिटेन कर दिया? हम खड़े थे ना, हम कुछ कर रहे हैं तब भी हमको डिटेन कर लिया। क्या की डेमोक्रेसी है ये? मैं नहीं जाऊँगा अकेले, कोई बात नहीं। नहीं क्यों जाऊँगा अकेले? नारेबाजी कर रहे होंगे। कुछ भी नहीं कर रहा था मैं, क्या नारेबाजी कर रहा था? चलिए चलिए, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं खड़ा हुआ था एक जगह पे, मैंने कुछ भी ना नारा लगाया ना मैंने कुछ किया, और देख रहे कैसे दिल्ली पुलिस वाले मुझे पर बता से डिटेन कर रहे हैं। किस लिए आए थे? चलिए यार, मैं आया था यहाँ पे नॉर्मल, हाँ। मैं स्टूडेंट हूँ, नॉर्मल आया था मैं, और मुझे पकड़ लिया। देख लीजिए, कह रहे हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ और नहीं जाऊँगा। प्लीज चलिए प्लीज, अकेले नहीं, क्या है अकेले? हाँ भैया, अकेले जाऊंगा। कहाँ लेके जाएंगे आप मुझे बताते हैं? पहले बताइए, पहले आप अंदर चलिए, आप मुझे लेके कहाँ जा रहे हैं? चलिए, मान्य गुप्ता नाम है मेरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था। चलिए, आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस के साथ अंदर चलिए। देख लीजिए, कह रहे हैं कि वो यहाँ पर खड़े हुए थे और आप देखिए कैसे मुझको अकेले डिटेन करके लेके जा रहे हैं दिल्ली पुलिस। कहाँ था मैं प्रोटेस्ट में? कुछ नहीं, खड़ा हुआ था मैं यहाँ पे, मैं आया था जंतर मंतर और गालियां मुझको लेकर यहाँ पे। हम सरकार की तो आप प्लीज मैं आपसे गुजारिश करती हूँ उनका तो नाम ही ना ले, ठीक है? मैं यहाँ अपने प्रोफेसर अपने दोस्तों के साथ आई, अब उनको वो ले गए, मैं यहाँ पीछे खड़ी हूँ बिकॉज उन लोगों का बहुत ज्यादा ऑपरेशन रिपरकशन, दे हैव अ हिस्ट्री एंड द पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, आप नहीं करें, यह आपका मसला है। आई एम सपोर्टिंग, दिस इज माई कंसेंट, दिस इज फकिंग माई कंसेंट। मोदी जी इसराइल का समर्थन, मोदी जी एंड मोदी जी, आई डोंट नो एनी मोदी जी।